शुरुआत करी थी और वादा किया था कि ग्रामीण इलाकों में हर परिवार को वर्ष 2022 आते आते हर घर जल योजना के तहत वाटर कनेक्शन पानी मिलेगा, टूटी में पानी आएगा। वर्ष 2023 में इसी राज्यसभा सदन के पटल पर माननीय मंत्री जी ने जवाब दे। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार दा सुपना पंजाब वासियां नूं सेहतमंद बनाउणा है। इस दे तहत पंजाब सरकार वल्लों सीएम दी योगशाला दी शुरुआत कीती गई। इस मुहिम तहत पंजाब भर दे जिलियां च मुफ्त योग क्लासां चलाईयां जा रही हैं, जिस दा लोक लाभ लै के रोगां तों दूर रह रहे हन। मेरा नाम मधु अबरॉय है। जदों तों ऐ योगा क्लास शुरू होई मैनूं बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अपने चीफ मिनिस्टर होना दा बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ जिन्होंने एक इन्ना अच्छा उपराला किया है क्लास हर पाक दे विच लगान दा। मेरा नाम कमलजीत सिंह है। असीं पंजाब सरकार दे बहुत धन्यवादी हाँ जिहड़ा उन्होंने नवा उपराला सीएम दी योगशाला शुरू की है, जिहदे नाल कि मन तन सारा स्वस्थ रहिंदा। सूबे के 23 जिलों में हुण तक 2900 तो वध मुफ्त योग क्लासां चलाईयां जा रही हैं, जिसका 80,000 तो वध लोग लाभ ले रहे हैं। एक मिस कॉल मारनी है तुसी, असीं तुहाडे कोल योगा दा टीचर भेजांगे, वो तुहानूं उत्थे योगा कराऊगा और तुहाडे आले दुआले कोई होगा कोई ना कोई, और असीं फ्री दे विचों भेजांगे। तो तुसीं महीने दो महीने तुसीं अपने सेहत पक्षों भी फर्क नज़र आऊगा, क्योंकि असी चाहते हैं कि पंजाब सेहतमंद रहे। तो ये बताया कि मात्र 52% घर ग्रामीण इलाके के ऐसे हैं जिन तक आज जल पहुंचा है। मैं पूछना चाहूंगा कि आज वर्ष 2024 आ गया है, आपने वर्ष 2022 तक हर घर जल योजना के तहत नलके में पानी देने का वादा किया था, आज का क्या आंकड़ा है? और दूसरा, अगर 20 करोड़ रूरल हाउसहोल्ड्स का हम अभी आधा ही हासिल कर पाए हैं, अचीव कर पाए हैं, तो अभी भी क्यों हम हर घर जल देने में इतनी बुरी तरीके से विफल रहे हैं? ये सवाल मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा। शुरुआत करी थी और वादा किया था कि ग्रामीण इलाकों में हर परिवार को वर्ष 2022 आते आते हर घर जल योजना के तहत वाटर कनेक्शन पानी मिलेगा, टूटी में पानी आएगा। वर्ष 2023 में इसी राज्यसभा सदन के पटल पर माननीय मंत्री जी ने जवाब देते हुए ये बताया कि मात्र 52% घर ग्रामीण इलाके के ऐसे हैं जिन तक आज जल पहुंचा है। मैं पूछना चाहूंगा कि आज वर्ष 2024 आ गया है, आपने वर्ष 2022 तक हर घर जल योजना के तहत नलके में पानी देने का वादा किया था, आज का क्या आंकड़ा है? और दूसरा, अगर 20 करोड़ रूरल हाउसहोल्ड्स का हम अभी आधा ही हासिल कर पाए हैं, अचीव कर पाए हैं, तो अभी भी क्यों हम हर घर जल देने में इतनी बुरी तरीके से विफल रहे हैं? ये सवाल मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।